अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमोबिलाइज़र बेसिकली क्या चीज़ है और ये कैसे ऑपरेट करता है। तो इमोबिलाइज़र इज़ बेसिकली एंटी थेफ्ट मैकेनिज़म दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस टू द कार। और इसको कैसे ऑपरेट करना है इस चीज़ को भी हम देखेंगे। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड सिक्योरिटी फीचर्स नोवाडेज। इमोबिलाइज़र की जो इंडिकेशंस होती हैं बिल्ट इन, वो आपको एक इंडिकेशन रिमोट पे या की पे भी मिल जाती है। और जब आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो तो आपको जो फ्रंट पे जो है यहाँ पे भी एक इंडिकेशन मिल रही होती है कि अभी आपका इमोबिलाइज़र लॉक है या अनलॉक है। जो नॉर्मली इसमें बहुत अच्छा फीचर्स जिन्होंने इंक्लूड किया है वो ये है कि अगर आपने एक मिनट तक जो गाड़ी जो है अनअटेंडेड छोड़ दी है तो आपकी गाड़ी खुद बहुत लॉक हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी अनलॉक है क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंडिकेशन नहीं आ रही। तो गाड़ी को मैं लॉक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी इंडिकेशन आई है और आपकी यहाँ पे भी इंडिकेशन आना स्टार्ट हो गई है। इमोबिलाइज़र में बेसिकली दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक आपको बिल्ट इन इमोबिलाइज़र विद इन द की मिल जाता है और एक आपको इमोबिलाइज़र मिलता है जो कि आपके रिमोट के साथ आता है। अभी हम जिस इमोबिलाइज़र को देख रहे हैं वो रिमोट में बिल्ट इन है, आपकी जो सिक्योरिटी चिप है वो रिमोट के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमोबिलाइज़र जो है वो काम कैसे करता है। इमोबिलाइज़र में बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोंडर सिग्नल होता है जो कि आपकी की स्विच के साथ लगा होता है, और जो आपकी की है या आपका रिमोट है उसमें आपकी बिल्ट इन जो चिप है वो आपके यहाँ पे रिजाइड कर रही होती है। और जब आप ओरिजिनल की जो है इंसर्ट करते हैं यहाँ पर तो आपका जो ट्रांसपोंडर है वो क्यूरी करता है ओरिजिनल की के लिए। और जब ओरिजिनल की उसको ओरिजिनल कोड जो है वो सेंड कर देती है तो इमोबिलाइज़र जो है बेसिकली इग्निशन सिस्टम को जो आगे सिग्नल दे देता है फॉर इग्निशन, तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम ओरिजिनल जो है की जो चिप के साथ है वो नहीं इंसर्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, चाहे वो डुप्लीकेट की। तो अभी इसका डेमो मैं आपको देता हूँ कि जब आपकी डुप्लीकेट की जो है वो आप बना लें तो उससे भी गाड़ी का इग्निशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो आपके सामने मैंने की इंसर्ट कर दी की स्विच में, लेकिन मैंने गाड़ी को जो है अनलॉक नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो गाड़ी अभी अनलॉक नहीं हुई, तो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। ये आपके सामने जो है स्विच जो है वो उसको मैं ऑन कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और गाड़ी के इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ऑन हो जाएंगे और हेडलाइट्स उसके साथ आपके टर्न सिग्नल्स दोनों जो हैं वार्निंग और हैज़र्ड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो हो रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये आपके सामने देखें, तो अब मैं इसको अनलॉक करके जो है गाड़ी को अनलॉक करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको अनलॉक प्रेस करना होता है, तो यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन भी आ रही होती है लॉक और अनलॉक की। अब गाड़ी जो है वो अनलॉक हो चुकी है तो इसका हम देखेंगे तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी जो है अब देखें स्टार्ट हो चुकी है। और ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड मैंने और भी बनाई हुई, आप मेरे चैनल्स पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस भी अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं कार से रिलेटेड हैं वो भी आप देखें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।